आज एक सतपुरुष का जन्मदिन है जो मेरे गुरु, मेरे सतगुरु, मेरे मालिक, मेरे परम तत्व, मेरे आधार हैं। उनके इस पवित्र दिन में आपसे क्या कहना चाहता हूं, पहले अपने आप को पूछता हूं आपको बताने से पहले कि उनकी संगत में मुझे क्या मिला, उनकी संगत से मुझे क्या मिला। अगर कुछ मिला तो मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला था जाके हृदय सच है ताके हृदय आ, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पा। मुझे वो बात भूलती नहीं है तो मैं सच कहूंगा झूठ कहूंगा। मेरी बात को बहुत एकाग्रता से सुनना, क्या मिला, मेरी दुनिया बनी, मेरा संसार बना, मेरा अध्यात्म भी बना। अब तीन चीजें मैंने कह दी है, ये क्या है तीन चीजें जो सुनते रहना। दुनिया की दृष्टि से एक समाज है, हमारा परिवार है, एक हमारा धर्म है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानते हैं ना सभी, तो मुबारक है उनको, जहां जहां कोई लगा हुआ है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भूख के अनुसार, जो उन्होंने अपना अपना ख्याल है, जो उनका विश्वास है, उनको मुबारक हो। मुझे क्या अधिकार है किसी धर्म पर बोलने का, कोई अधिकार नहीं, मुझे अपने ऊपर बोलने का अधिकार है। तो संसार समाज है हमारा, एक धर्म है, समाज में भी आप एक कर्तव्य से बने हुए हैं। समाज में रहते हुए तुम किसी ना किसी काम के लिए बने हुए हैं, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, पति के रूप में बने हुए हो, क्या ना है भाई के रूप में, वो तुम्हारा संसार है, वो तुम्हारी दुनिया है, एक है संसार। तुम्हें संसार का नहीं पता, मुझे पता, वो मेरा अपना है। संसार का दुनिया से कोई संबंध नहीं है, वो मेरे मन के अंदर का संस्कार है, मेरे विचार, मेरी कल्पना, मेरी सोच, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा किसके प्रति, उस मालिक के प्रति। वो मेरा अपना संसार है, वो कैसे बनेगा, वो सतपुरुष की संगत में बैठकर बनेगा, वो वैसे नहीं बनता, वो भी बना। और फिर मेरा अध्यात्म भी बना, अध्यात्म क्या है उसको कहते हैं, ना वो दुनिया है ना वो दीन है, वो तुम्हारा उसके साथ संबंध है। कहां, किसके साथ, जहां से मैं आया, ये किसी किसी के भाग्य में मिलता है। नानक कोटन में को नारायण चेत जा, जिस पर दया आदि करता की सोचे न्यामत पावे। तो गुरुओं के पास दुनिया किस लिए जाती है, उसको पाने के लिए थोड़ी जाती है, दुनिया मांगने के लिए जाती है कि हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये। अपने आप को पूछो, तुम्हें उस पर विश्वास ही नहीं है क्या, वो हमें देगा जी, क्या बच्चे हैं, क्या वो हमें भूखा मारेगा, नहीं, क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, दुनिया कैसे बनेगी, दुनिया कर्म से बनेगी। तुम कर्म करो दुनिया में, वर्क इज वर्शिप, दुनिया में वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मैं बाहर के तीन देश देखे हैं, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड, तीनों देशों में मैंने देखा है वहां काम ही पूजा है। सुबह कोई आरती नहीं करता, कोई दिया नहीं जलाता, कोई धूप नहीं जलाता, कोई मूर्ति नहीं पूजा करता, सुबह 7 बजे अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। और कोई कोई तो लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो अपनी शेव भी गाड़ी में करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं, एक स्टेशन पर रुकी, रेड लाइट आ गई, पानी लगा लिया, दूसरी पर गए साबुन लगा लिया, तीसरी पर गए शेव कर ली, तौलिया से साफ किया, ऑफिस में पहुंच गया 7 बजे। ये भी मैंने देखा, क्या कह रहा हूं आप जिंदगी में दुनिया में कामयाब कब हो गए,
डर के नहीं। तुम्हें 5 कर्म इंद्रियां मिली हैं, ये कर्म के लिए मिली है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस की तैसो फल चाखा। जो मेहनत करेगा, जो हिम्मत करेगा, जो कर्म करेगा उसको मिलेगा। हमें गलत रास्ते डाला गया, कहीं तुम्हारे कर्म में नहीं लिखा, गलत है, मैं नहीं मानता इसको। कर्म तुम्हारे अपने हाथ में है, बशर्ते कि तुम्हें कोई गाइड ठीक मिल जाए, तुम्हें कोई समझदार ठीक मिल जाए, जो तुम्हारी प्रकृति के अनुसार तुम्हें बताए कि ये काम तुमने करना है, या दूसरा जो कुदरत ने तुम्हें दिया है उसको दिल लगा कर करो। कुदरत ने जो भी तुम्हें काम दिया है उसमें तुम्हारा अहम नहीं आना चाहिए। अगर उसमें तुम्हारा अहम आएगा तो तुम गिर जाओगे। मेरी बात को पकड़ते जाओ। ये बाबा फकीर का स्थान है, वहां से बोल रहा हूं। अहम नहीं आना चाहिए, निर्भय होकर काम करो। जो भी मिला सरकार का काम है, ड्यूटी है, पढ़ाते हो, बिजनेस करते हो, उसमें हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने कर्म किया है, दुनिया तुम्हारी बन जाए। जो कहते हैं वो देगा, मेरे मामा जी आया करते थे, मेरे मामा वो बड़े बहुत सुधरे हुए इंसान थे। तो मैं पढ़ता था तब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट था। उन्हें कहा काका संत इन्होंने साढ़े नेतिया ने साढ़े धर्म के मालिक ने संत क्या देख पढ़ाई चोपड़ी ना तरसाइए जी, रुखा सुखा खा के ठंडा पानी पी। कहना कि असी सिर्फ कहना मैं पीएम सुखा वो खाने चोपड़ी तो मैं नहीं खा सकता। मेरी बात पकड़ रहे हो, ये गलत शिक्षा है। रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी नहीं, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता है। कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता। तुम हिम्मत आओ, अब हिम्मत कौन करेगा, हिम्मत कौन करेगा, सुन लो ध्यान से। सतगुरु बाबा फकीर जी सत मेरे दादा गुरु हजूर दादा दयाल जी महाराज, जिनका रेस मेरे पीछे स्टैचू है, मैं उनको तय दिल से मानता हूं। क्यों? उन्होंने मुझे परम दयाल जी महाराज दिए, उन्होंने मेरे सतगुरु मुझे दिए, मैं उनका बहुत आभार हूं। मैं जाता हूं वहां उनके धाम पर, तो वहां मैं बहुत सत्कार से पहुंचता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। दादा आपने मुझे एक सब कुछ दे दिया तो मेरी भी जिंदगी बन गई, नहीं तो मैं पता नहीं कहां पड़ गया। क्या कहा दादा दयाल जी महाराज ने उनके बारे में लिखा, तू है क्या, तू है मरकजे आलम है मर्दे फकीर। तू है क्या, तू है मरकजे आलम है मर्दे फकीर, गिद तेरे घूमती है होकर दुनिया असीम। दुनिया तेरे गिर्द घूम रही है, असर से तेरे असर से। परम दयाल जी महाराज ने कहा कि दादा दयाल जी ने ये जो कहा है, दुनिया ये समझेगी कि सारी दुनिया मेरे पीछे घूमती है, ये बात नहीं है। मेरी दुनिया, मेरा संसार, जो मेरा संसार है वो मेरे पीछे, मेरा हर मेरे पीछे रहता है। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, दादा ने क्या कहा, मेरा संसार, मेरा मन, मेरे विचार वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, सारी दुनिया मेरे साथ नहीं रहती। तो अगर तुम्हारा संसार ठीक है, अगर तुम्हारे विचार ठीक है, अगर तुम्हारी थिंकिंग ठीक है, अगर तुम्हारी संगत ठीक है, तो तुम ठीक हो। अब दूसरी बात कहने लगा, संसार किसका ठीक होगा, संसार उसका ठीक होगा जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी है, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, जिसने अपनी शक्ति को संभाला है, जिसने अपने आप को समझा कि मेरे अंदर कोई ताकत है, उसका दुरुपयोग नहीं किया 25 साल तक, और वो धोखा खा जाएगा, वो फिर दौड़ा फिरेगा, कभी कभी जाएगा ज्योतिषियों के पास जाएगा, कभी मंदिरों में जाएगा, कभी कहीं। कमजोर आदमी सहारा ढूंढता फिरता है, जो जो समर्थ है, जो ताकतवर है, वो कहीं नहीं ढूंढता। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं,
हमारे यहाँ प्रेसिडेंट थे मेजर जय सिंह जी, मैं उनको अच्छी तरह से जानता, मैं तो बचपन से हूँ ना महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ, 18 साल का बच्चा था। तो वो एक दफा कहने लगे बाबा फकीर जी महाराज को, बड़ी सिद्ध थी उसकी, पूरा रंग लाल चेहरा, पता लगता था कि ये ऑफिसर है, पता लगता था कि ये डिसिप्लिन ऑफिसर है। तो एक दफा महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी मेरी भी समाधि लगवा लो मेरी भी समाधि लगवा लो। दादा ने कहा, जैसे ये समाधि जड़े कमजोर होंगे ना वो लगा दे, तेन समाधि लाने की लोड़ नहीं है, समाधि सुखा लगाएगा जो सहारा चाहता है। और इस चीज को मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने एक और ढंग से समझाया, क्या कहा, कहते सुनो बच्चों, जिसने बेटी को बनाया, तब तो टीवी आई नहीं थी, ये जबकि मैं बात करता हूँ, टीवी तो कहते 70-75-80 में आई है 80 में आया हमारा टीवी, उससे पहले तो यही रेडियो ही होता था। कहते रेडियो बनाने वाले ने अपना सारा जीवन उसको बनाने में लगाया, कितना समय लगाया होगा, फिर वो बन गया, जब वो बन गया तो उसने उसको सुना, सुनने से बाद उसको आनंद मिला, ठीक है। कहते संतों ने क्या किया, संतों ने भी एक रेडियो बनाया, ध्यान से सुनना, अब तुम अगर रेडियो बनाने बैठ जाओ कि मैं भी बनाना सुनने के लिए, तो तुम मूर्ख नहीं होगे, रेडियो तो बना हुआ है, तुम उसको इस्तेमाल करना सीखो, इस्तेमाल करना सीख लिया तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हें भी वही आनंद मिलेगा जो उसको मिला। बात मेरी पकड़ रहे हो, जिसने रेडियो बनाया जो आनंद उसको मिला, जब तुम सुनोगे उसको तो वो गाने को जो किसी विवाह गाया जाता है तुम्हें भी सुनकर आनंद मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मैंने सारी जिंदगी लगा दी इस काम में, मेहनत की, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, अगर तुम खुद चाहोगे मैं समाधि जाके वहां जाऊं, तुम नहीं जा सकते, तुम उस पर चलो। दुनिया कर्म से बनेगी, कर्म से, और दीन संसार करनी से बनेगा, फर्क है, कर्म और करनी, फिर रहनी, ये तीन चीजें जिंदगी की है, सुनते जाओ। कर्म से दुनिया बनेगी और करने से मेरा संसार बनेगा, करने में मेरे ख्याल, अगर मेरे ख्याल पॉजिटिव है, अगर उनमें ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, शत्रुता नहीं है, और मैं सबसे प्रेम करना जानता हूं, तो मेरी दुनिया प्यारी बन जाएगी। अगर मेरे में नफरत है, मेरे में ईर्ष्या है, मेरे में द्वेष है, तो मैं थानू की शिक्षा दे रही खा, क्या कहा मैंने, मेरा संसार मेरे सतगुरु की संगत से, वो जो मेरे ख्याल थे वो बदल, एक शब्द निकालना, कभी साहब का शब्द निकालना है, मेरे शब्द पकड़ी मां, तो कैसे बना मेरा संसार, साध की संगत, उस संगत से, उसके शब्दों पर चलने से। हुजूर ने फरमाया कि दाता दयाल जी मेरे नाम पर बड़ा शब्द लिख दिए, एक कबीर एक फकीर शब्दावली किताब है, उसमें सब शब्द है, एक शब्द लिखा, तू तो आया नर्दे ही में धर फकीर का पेशा। दाता दयाल मेरे सतगुरु परम दयाल जी को लिखते हैं कि तू कैसे आया, तू तो आया नर्दे ही में धर फकीर का पेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तो मेरे दादा ने कहा कि मेरे अंग तो ये हैं, हाथ पांव, और मेरे अंग के हैं शरीर, तो दादा कहते हैं अंग को लगा के ले जा सारे, तो मैनू तुसी अगर सारे पकड़ोगे फिर बाबा जी सामू ले चलो तो मैं तो दब जाऊंगा, और पकड़ोगे ना तो मैं दब नहीं जाऊंगा, मेरा अंग है मेरी बाणी, मेरा अंग है मेरी बाणी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारी,
जिसने पानी को पकड़ लिया। मैं कहता हूं एक शब्द ले लो, एक जो तुम्हें अच्छा लगता है सत्संग से, उस पर चलना शुरू कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम सारी बात नहीं पकड़ सकते। तुम एक ही मान लो कि मैंने आज से किसी का बुरा नहीं सोचना है, जो आवे सो राजी जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो मिले प्यार से मिलो, लेकिन ये ना हो अंदर कुछ बाहर कुछ। अंदर कुछ है बाहरों बड़े मीठे, तुसी डूब जाओगे। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे भी बंदे मिले, जिंदगी में 36 साल नौकरी की है, बड़ा पद भी देखा, सब तरह के मिले, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ। वो ना इस दुनिया के ना अगली दुनिया के, वो रह जाए अंदर से सब। दिल का हुदरा साफ कर, तुलसी साहब जी महाराज जो स्वामी जी के गुरु थे, लोग कहते स्वामी जी का गुरु कोई नहीं था, झूठ है। स्वामी जी महाराज के घर में तुलसी साहब आया करते थे, पाठ किया करते थे, जो शिक्षा मिली उसको स्वामी जी महाराज को तुलसी साहब से मिली। उनकी उनकी किताब है बहुत ऊंची, गठ की रामायण मेरे पास है वो, लेकिन मुझे दाता का हुक्म है कि तुमने कोई किताब नहीं पढ़ना। मैंने रख दिया सब किताबें, मैं नहीं पढ़ता। क्या हुक्म किया? तू बच्चा मन की किताब पढ़ना। मुझे मन की किताब मिल गई, मुझे पता लग गया, बोले आता सब तो अच्छी चीज है। हर वक्त मन पर नजर रहती है, क्योंकि मैं मन नहीं, मेरी मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, तुम्हें और क्लियर कर देता हूं। जब तक क्लियर बात ना हो तो तुम सबक को पूरा नहीं सुन सको। पहले 1, 2, 3, 4, 5 फिर 100 तक पहुंचोगे। अगर 10वीं तक गिनना नहीं आया तो 100 तक तो पहुंचे। फिर दादा ने फरमाया कि तुम्हारे पांव पर चोट लग गई, तुम्हारे पांव पर ध्यान को सुनते रहना, चोट लगी पट्टी लग गई, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मेरी चोट लग गई, मेरे पांव में चोट लग गई, मेरे पांव में चोट लगी, तो डॉक्टर साहब पट्टी कर देंगे। फिर बात आई पैर आपका ठीक हो गया, फिर तुम्हारे कभी पेट में दर्द हो गया तो फिर कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब हाय हाय मेरे पेट में दर्द बहुत हो रही है, मेरे पेट में, यानी कहा पेट में दर्द हो, मेरे पेट में, तो पेट और है तुम और हो, पैर और है तुम और हो, फिर तुम्हारी आँख में कुछ पड़ जाता है, तो आँख में जाओगे डॉक्टर आँख वाले के पास, कहोगे डॉक्टर साहब ओहो मेरी आँख में, मेरी आँख में मैं और हूँ, आँख और है, मेरी आँख में कुछ पड़ गया, ऐसे कहोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर और है तुम और हो कि नहीं? शरीर तुम्हारा, तुम खुद कहते हो मेरा पैर, तुम खुद कहते हो मेरा पेट, तुम खुद कहते हो मेरी आँख, तो तीनों चीजें तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम तो मालिक बन के बैठ गए। फिर कहीं आप बैठे 4-5 आदमी बड़ी डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन हो रही है, तो तुम समझदार हो, तुम कहोगे भाई देखो तुम्हारे ख्याल ठीक है होंगे, पर मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता, तो मन भी और हो गया, तुम अभी और हो, तुम और हो। फिर कहीं और ज्यादा अच्छी चीज का बात होने जाके, और विद्वान आदमी बैठे हैं वहां गपशप चल रहे हैं, तुम भी समझते हो, तुम्हें संगत मिली हुई है, तुम कहोगे तुम सब ठीक कहते हो पर मेरी आत्मा नहीं मानती। मेरी बात सुनी? मेरी आत्मा भी नहीं मानती, मेरा मन भी नहीं मानता, मेरे शरीर में तकलीफ है, तो तीनों चीजों तुम्हारी नहीं है, तुम अलग हो, साबित कर दिया मैंने, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम क्या हो? तुम आत्मा भी नहीं हो, आत्मा प्रकाश रूप है। आत्मा जितना संसार है, कबीर साहब ने लिखा है अव्वल अल्लाह नूर उपाय,
अल्लाह ने उस खुदा ने पहले क्या पैदा किया? अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। हम सब एक नूर से पैदा हुए हैं। तो नूर क्या है? आत्मा। समझ गए बात को? अब शरीर, मन और आत्मा, तीन चीजें तुम मालिक हो, पर तुम हो क्या? अब सवाल ये पैदा होता है। वहां कबीर साहब ने फिर इसको क्लियर कर दिया। क्या कहा था कबीर साहब ने? कबीर धारा, कबीर धारा अगम की, कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए। सतगुरु ने मुझे वो अगम की धारा जो वहां से आई, कहां से? जिसकी कोई था नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वहां से एक धारा आई, मेरे सतगुरु ने मुझे वो दिखा दी। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। कबीर साहब ने कहा उस धारा को जो तुम्हारे अंदर है उसको उल्टो, उठकर अपने स्वामी के पास पहुंचो, स्वामी यहां है। तो धारा का क्या बन गया? जब उल्टी गई राधा, क्या हुआ? स्वामी हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज लिखा, राधा आर्त सुरत का नाम, आर्त हमेशा रहने वाला, शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन ये तुम्हें कब होगा? जो तुम्हें कब अनुभव होगा? जब तुम गुरु का अंग पकड़ लोगे। वैसे बातों से गुरु का अंग वो पकड़ना है, अपनी खोज आप करनी है। नो दाइसेल्फ बाई दाइसेल्फ, इफ यू वांट टू हैव सी गॉड सी योरसेल्फ। अगर आप मालिक को देखना चाहो, मालिक को कोई देख ही नहीं सकता, मालिक को कोई पा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो था है, सीमा नहीं है। तुम खुद, बात कह रहा हूं, जब तुम खुद सीमा से, किस सीमा से? शरीर मन और आत्मा की सीमा से आगे चले जाओगे, फिर तुम उस शिव के दर्शन करोगे, उससे पहले नहीं कर सकते। ये परमदयाल जी महाराज का जन्म दिवस का सत्संग है। जो इस आशा से आए हैं इस सत्संग में, इस आशा से आए हैं कि मैं वो धारा देखनी है, मैं वो स्वामी देखना है, तो उनके लिए मैं अलग रास्ता बताऊंगा। जो इस दुनिया में खुशी से रहना चाहते हैं वो मैं एक अलग रास्ता बता दूंगा आप लोगों को। मेरे एक समझ गए? मैं पूरा एक घंटा बोलूंगा, मुझे आदेश है बच्चों का। मुझे मेरे बच्चे जब मैं चलता हूँ तो सारे दादाजी प्लीज एक घंटा बोला करो, ज्यादा ना बोला करो, अब आपने बड़ा काम करना है। सीधी बात है, मैं पर्दा नहीं रखता, मैं कोई पर्दा। अभी मेरी बहू आई थी, मैं गया उधर, डैडी जी एक घंटा। मैं क्या, वो बच्चों इतनी बार मुझे क्यों कहते हो? ये मेरे बस में नहीं है। सुनो शर्मा जी, जब गुरु की दया हो जाती है तो आदमी की कोई सीमा नहीं है। क्या कहा मैंने? जब दया उसकी हो गई बेसीमा में मैं कैसे रह सकता हूं? मैं क्या कहूं आपको? मेरे लिए बहुत कठिन है सीमा में रहना। जो आएगा मैं कहूंगा, जो उतर रहा है वो मैं कहूंगा। तो वो धारा तुम्हारे अपने अंदर है मेरे प्यारे हो। जिस दिन भी, मैं बहुत ऊंची बात करने लगा हूं, बहुत ऊंची बात करने लगा हूं, जब तुम इस सीमा से पार हो जाओगे शरीर और मन, परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, वहां जाना है ना, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, अंग्रेजी में गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग ऑफ सोल। शरीर मन और आत्मा की सीमा से पार जाओगे तब तुम्हें उसका अनुभव होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
और जब आदमी वहां पहुंच जाता है फिर क्या होता है, वो बच्चा बन जाता है। उसमें कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई दुश्मनी नहीं रहती। और वो उस हालत में होता है कि जो भी उसके साथ बुरा करेगा उसका अपने पहले गुरु होगा। ये भी बता देता हूं, अगर कोई उस ऐसे इंसान का बुरा करना चाहे तो उसका बुरा अपना पहले होगा। क्या कहा मैंने, क्योंकि तुम कहा हो, तुम सतगुरु की गोद में हो। गुरुवाणी में एक शब्द है बड़ा प्यारा, फिर कर बैठो हरजन प्यारे, ऐ मालिक के प्यारे ठहर जा, फिर हो जा। कहा एक विश्वास में, कहा एक आस में। जिंदगी आस के बगैर नहीं जी जा सकते हम। आशा है तो जिंदगी है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं होप सस्टेन्ड लाइफ। जिंदगी हमारी हमारी आशा पर निर्भर है। जिसके अंदर आशा निराशा ही हो गया, अभी बैठा है लाहौर के बस में, हम कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं कामयाब हो सकता है, वो नहीं कामयाब हो सकता है। आशा हमारी जिंदगी है और आशा तीनों काम तीनों फील्ड में काम करती है, संसार में भी, दुनिया में भी और अध्यात्म में भी। दाता दयाल ने लिखा, आस कर गुरु की दया की। दाता दयाल मेरे दादा गुरु, आस कर दया गुरु की, ना निराश ना हो तू कभी, जो हुआ निराश समझ ले तू ना गुरु का दास कभी। फैसला कर दिया, किसकी आशा रखो, मालिक की, गुरु की, अपने आपके मालिक की। तुम्हारा मालिक वो हमारा सबका मालिक है। जैसे आत्मा प्रकाश रूप है, हम सब आत्म प्रकाश से आए हैं, ऐसे ही वो भी एक असीम हस्ती है। वो एक हस्ती है जिसका अनुभव, ओह मेरे सिर के पीछे बैठे हैं मेरे दादा परमदयाल जी महाराज, उन्होंने अनुभव करवाया। जब अनुभव हो गया, 15 दिन में उसी हालत में रहा, तो मैंने चिट्ठी लिखी परमदयाल जी महाराज को। मैंने कहा पिताजी अब मेरा ये हाल है, और एकदम पोस्ट कार्ड आ गया मेरे को। चौथे दिन पहुंच गया, मैं बिलासपुर में था, बच्चा अनुभव हो गया, अब इतना ऊंचा अभ्यास नहीं करना। आगे लिख दिया क्यों, क्यों नहीं करना, तेरी नौकरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तेरी दुनिया है, इसको बनेगी तो फिर मेरी गोद में आ जाएगा। क्या कहा मैंने, गुरु संभाल करता है तुम्हारी पल पल पर हर जगह, वो तुम्हारा नहीं लिख दिया, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले। दाता दयाल जी महाराज ने जहां तक लिख दिया मेरे बाबा फकीर जी महाराज को, महाराज कहते मेरे महाराज ने लिखा, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में। मैंने ये कहा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, ऐसा लिखा। कहते मैंने सोचा कि जब मैं अभ्यास करता हूँ तो मेरे अंदर गुरु की पूर्ति आ जाती, मैं बड़ा खुश होता था कि वाकई मेरे अंदर है, मेरा गुरु मेरे नाल है। जब लोगों ने बताया तो वहाँ बैठते थे बरामदे में, जब गर्मी होती तो अंदर बैठते थे 4 बजे, तो गिरधारी लाल होता था जो चिट्ठियाँ पढ़ता था और जवाब लिखता था। तो लोगों ने लिखना, महाराज जी आप आए, साक्षात आए, मुझे दवाई बता गए, मैं दवाई खाई, मैं ठीक हो गया। किसी ने लिखना, महाराज जी आप प्रकाश रूप लेख होकर आए, मुझे प्रकाश का एक बच्चा दे गए, मेरा लड़का पैदा हो गया। किसी ने लिखना, महाराज जी मैं दरिया में डूब रही थी, मुझे आपने पकड़ कर बाहर निकाल दिया। कहते मैं सोचने के लिए बेवश हो गया, तो मैं तो वहां गया ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं, तो जो मेरे अंदर दाता दयाल है वो भी नहीं आए, ज्ञान हो गया। वो भी दाता दयाल नहीं थे, वो मेरा मेरा अपना मन था। मन बहुत बड़ी ताकत रखता है, इसलिए मेरे सतगुरु कहा करते थे, तुम अपने मन से मेरे रूप को बना लेते हो,
वो मूल रूप बड़ा होगा कि तुम बड़े हुए, जो तुमने रूप अंदर बढ़ाया है वो बड़ा होगा कि तुम बड़े हुए, तुम बड़े हो तुमने रूप बना लिया, क्यों नहीं समझते इस बात को? तो उस रूप में नहीं फंसना है, वो तुम्हारा मन है, उससे आगे जाना है, वो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तुम अपने घर पहुंच जाओगे और तुम्हारी जिंदगी एक सुचारू रूप से चली जाएगी, तुम्हारी दुनिया कर्म से बनी, तुम्हारा संसार गुरु की वाणी से बना, गुरु के शब्द से बना, गुरु की हिदायत से बना, गुरु का सत्संग से बना, संसार तुम्हारा तब बनेगा। आप मेरी बात समझिएगा, अगर ये कहोगे नाम ले लिया जी अब गुरु हमारे ले जाएगा मरने के बाद, झूठ है, झूठ है, सरासर झूठ है। हाँ एक बात मैं कह देता हूँ कि जिसको गुरु ले जाएगा उसका जन्म दोबारा जरूर होगा, उसका आवागमन कभी खत्म नहीं होगा, अच्छा हो जाएगा। मैं उस वक्त फाइनल एमए में पढ़ता था तो यहाँ राधा स्वामी सत्संग बस स्टैंड के साथ था, वहाँ अब वहाँ छोटी जगह थी मुझे पता है, तो मैं वहाँ ख्वाजू बसी में कमरा लेकर रहता था एमए में। शर्मा जी तुम अभी ये में यह शहर कौन सा है मैं नहीं जा सकता, तो मैं वहाँ पंखा सेवा भाव है ना, तो बिजली तो थी नहीं, पंखा मैं करता था, तो वहाँ मैंने खड़े होकर हजूर बाबा हरचंद सिंह जी महाराज का वाणी सुनी उनकी। उन्होंने कहा, पहले उन्होंने बहुत कुछ और कहा, फिर आखिरी कहा कि लोहे की बेड़ियाँ टूट जाएंगी, सोने की बेड़ियाँ बढ़ जाएंगी, ये उन्होंने कहा जो गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने इसके ऊपर बड़ा चिंतन किया कि उन्होंने ये कहा, बेड़ियाँ तो बेड़ियाँ ही हैं, चाहे सोने की है, चाहे चांदी की है, चाहे लोहे की है। ओहो, इसका मतलब ये है कि उनके जो दुनिया के अब की जीवन है अगला जीवन उससे बढ़िया होगा, सुखदायी होगा, ये है, ये मैंने समझा। फिर हुजूर बाबा फकीर जी महाराज की संगत में रहता था, उनकी वाणी से पता चला कि ये बात बिल्कुल ठीक है, जन्म मिलेगा लेकिन आवागमन नहीं जाएगा, आवागमन नहीं जाएगा, चलते रहो जितनी मर्जी दे चलते रहो। तो मैंने पहले आपको बताया ये तीन चीजें हमारी जिंदगी की है जो मुझे मिली। अब रहा कि फिर जिंदगी जिए कैसे, उसके दो तरीके हैं, दो। एक है अटल विश्वास रखकर गुरु की आज्ञा का पालन करो, अटल होकर गुरु की आज्ञा का पालन करो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें गाइडेंस करने वाला रास्ता देगा, बात समझ गए, निराश होने वाली बात नहीं है, उसमें हिम्मत चाहिए। और फिर खाने पर कंट्रोल, देखने पर कंट्रोल, सुनने पर कंट्रोल और बोलने पर कंट्रोल, ये तीन चीजें आपको सीखनी होगी। आंखें हजूर फरमाया करते थे परमदयाल जी महाराज, यही आंख है, इससे हम अपनी माँ को देखते हैं, इसी आंख से हम अपनी बहन को देखते हैं, इसी आंख से हम अपनी बेटी को देखते हैं, और इसी आंख से वहां तो कोई फर्क नहीं है, माँ को माँ के ख्याल से देखेंगे, बहन को बहन के ख्याल से देखेंगे और बेटी को बेटी के ख्याल, ऐसा ही है ना, कोई मन में विक्षेप नहीं आता। लेकिन जब तुम इसी आंख से किसी पराई स्त्री को देखते हो फिर तुम्हारे मन में हलचल क्यों होती है, ये कहते थे। तो इसलिए आंख को संभालो, ये कान जो सब ख्याल सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे वो तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा, बुरी संगत बुरे बन जाओगे, अच्छी संगत अच्छे बन जाओगे, क्योंकि संगत ने कान पर असर करना है, वाणी पर असर करना है। तुम्हें अच्छी वाणी मिली रोज तुम्हारे कान शुद्ध रहेंगे, तुम्हारे अंदर भी विचार अच्छे रहेंगे। अगर कोई नावल गलत पढ़ लिया, मैं एक दफा बड़ी देर की बात है, मुझे कोई सज्जन किसी के घर ले गया, मेरी बात को ध्यान, मैं तो प्रैक्टिकल बात करूंगा,
तो जब वो ड्राइंग रूम में बैठे इश्तबार पर भी जो फिल्मों में काम करते हैं उनकी फोटो बड़ी पैड़ी पैड़ी मेरे पीछे भी ऐसी इधर भी ऐसी मैं तो हिल गया मैं वो वाइब्रेशन बड़ी गंदी है थे फोटो में वाइब्रेशन होती है जिस ख्याल से आदमी की तुमने फोटो खींची है वो उसमें आ जाएगा और देखने वाला देख लेगा। मैंने उसके घर वाले को बुलाया मैं क्या उन्होंने बुलाया जरा मालिक कह रहा आ गया हाँ जी वो मैं क्या तू अपने बच्चे का करैक्टर खराब करना वो मेरे मुंह पर देखे कहते जी क्या बात हुई मैं क्या कौन है इन्हें थोड़ी मासी है कोई मामा है कोई चाची है कौन है जी कौन है ऐसी फिल्म एक्ट्रेस से जाएगी तो ये मैं क्या तुम्हें कुछ देती खाने को तेरे बच्चों को और तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे उठा दे इनको मेरी बात समझे जिस घर में ऐसी फोटोएं लगी हुई मैं तो जान तक भी कह देता हूं मैं देखो तुम बुरा ना मानना तुम अपने घरों में शांति लेना चाहते हो ना शांति सिर्फ एक फोटो रखो ज्यादा फोटो लगाओगे कभी ना कभी तुम्हारे घर में अशांति पैदा हो जाएगी चाहे वो देवी होगी चाहे देवता भी होगी मैं बुराई नहीं करता मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं प्रैक्टिकली इसलिए एक ही सादे सब सदे सब सादे सब चाहे दरिया पार करना है तो एक बेड़ी पकड़ो दो नहीं दो पर नहीं पैर रखना मैंने जिंदगी में किसी की पूजा नहीं की फकीर बाबा का शब्द ही मेरे लिए सब कुछ है उनका स्वरूप तब मुझे उनके स्वरूप से बहुत प्यार था तब मुझे उनके शरीर से बहुत प्यार था 1980 में क्या हुआ 1980 की बात बताता हूं 79 में मेरे पास बाबा फकीर जी आए हमीरपुर 4-5 दिन में 80 में मैं अगस्त के महीने माहवारी सत्संग पर आया मैं माहवारी सत्संग नहीं छोड़ता था तो महाराज जी सत्संग करके संगत सारी चले गए अपने कमरे में चले गए वहाँ थोड़ी देर हुक्का पीते थे फिर आराम करते थे तो गोपाल जी बड़े चंचल थे उनके सेवक वो मेरे पास है कमल जी महाराज जी से टाइम ले लो अगस्त का महीना है हमीर अपने पास हमीरपुर चलेंगे मैं अंदर चला गया जाकर मत्था देखा चरणों से लिखा हाँ बच्चा कैसे आया मैं कहा पिताजी बेनती है कि इस दफा भी हमीरपुर का प्रोग्राम बना ली हुक्का एक तरफ कर दिया हुक्का एक तरफ कर दिया सुन बच्चा इस बूढ़े शरीर के साथ कब तक जुड़ा रहेगा पहली बात इस बूढ़े शरीर के साथ कब तक जुड़ा रहेगा दूसरी बात मैंने तुम्हें मेरे सिर पर हाथ मेरी आंखों के आंख नाले सिर पर हाथ फेर रहे हैं पता नहीं वो मेरे अंदर क्या डाल रहे थे वो तो मुझे पता है ना क्या डाल रहे थे मैं तुम्हें असलियत हकीकत और सच्चाई बता दी है उसको समझ कर दुनिया में काम करो अब मैं आपको बताता हूँ वो हकीकत क्या है वो सच्चाई क्या है और वो क्या असलियत क्या है ध्यान से सुनते रहे पहली बात सच्चाई ये संसार स्वप्न है ये दुनिया ये स्वप्न है इससे ज्यादा और कुछ नहीं है ये कहा दूसरी बात देख बच्चा तुम्हें मैंने पूरा भेद दे दिया तुम्हें मैंने पूरा भेद दे दिया तुम्हें सच्चाई की हकीकत का पता लग गया क्या क्या कि जो
जो मेरी मेरा संसार है ये मेरे ख्यालों से बनता है, इसलिए अपने ख्याल को हमेशा ठीक रखना। बात समझिए, ये सच्चाई है। जिसका ख्याल ठीक नहीं है उसका कर्म भी ठीक नहीं हो सकता। और तीसरी बात, ख्याल किसका ठीक होगा? जिसकी कमाई नेक है, हक हलाल की कमाई है। क्योंकि जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, तो इसलिए ख्याल को ठीक करने के लिए हक हलाल की रोटी खानी पड़ेगी, वरना तुम ध्यान नहीं लगा सकते। ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरा अपना अनुभव है। मैं तो बाहर जाता हूँ, बाहर आपको बता देता हूँ, बुरा नहीं मानना, जहाँ भी ठहरता हूँ कोशिश होती है उनके बच्चों को, मैं मंदिर से ले गया था पाउंड डॉलर ले गया था कनेडा के भी तो अमेरिका के भी, तो बच्चों को पाँच डॉलर दे देते ताकि मेरा कोष उतर जाए। या तो मंदिर की ड्यूटी पर हूँ ना, मेरे को तो कहते हैं डॉलर, मेरे को कहाँ डॉलर है, तो मैं देते वापस दे देते, जरे बचे हो मैं देते। ठीक है, मैं रात को बड़ी नींद अच्छी सोता था। ठीक है, कर्म ठीक करो, जो भी कर्म तुम्हें कुदरत ने दिया उसके साथ छोड़ो मत। मैंने 36 साल नौकरी की, मुझे पता कि मैंने जो भी काम किया उसको गुरु का काम समझ के किया। कॉलेज में पढ़ाता था, कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा, ड्यूटी पूरी, ये नहीं कि घड़ी देखो टाइम हो गया ये नहीं देखा। आप मेरी बात समझ गए? पहले कर्म ठीक करो, कर्म प्रधान है। कर्म के कारण बड़े बड़े संत गिर गए, कोई नहीं बचा कर्म से, क्योंकि कहते गुरु के दर्शन कर लिए मेरे कर्म काट गए। नहीं कटेंगे, झूठ है, तुम्हें गुरु खुद पहुंच गए हम कैसे बच सकते हैं। ये सच्चाई है पहली बात। दूसरी सच्चाई ये है कि अगर उसको मिलना चाहते हो उसको, तो तुम जो मर्जी पूजा करो, जो मर्जी पाठ करो, जो मर्जी तीर्थ यात्रा करो, तुम दान करो पुण्य करो, वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए आनंद देगा, लेकिन स्थाई आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा, स्थाई शांति तुम्हें नहीं मिलेगी। वो शांति कब मिलेगी? मैं एक बात कह दूं, पुराना मान शर्मा जी, क्या करूं, मजबूर हूं। हम कोई मूर्ति बनाते हैं, कोई मूर्ति बनाते पूजा करने के लिए, तो किसने बनाई वो? मैंने, या फोटो या मूर्ति मैंने बनाई या फोटोग्राफर ने बनाई। अब मूर्ति वो कागज की है, बहुत ऊंची बात कर रहा हूं, और स्टैचू वो मिट्टी का है, किसने बनाया? किसी कारीगर ने बनाता, ठीक है, हमें किसने बनाया? हमें, हमारा शरीर किसने बनाया? मालिक ने। तो जो मालिक ने बनाया उसकी पूजा होनी चाहिए, कि जो आदमी ने बनाया है उसकी होनी चाहिए, फैसला कर लो। क्या कहा मेरे शर्मा जी, मैं किसी का खंडन नहीं करता, तुम्हारी आस्था है, जहां मर्जी आस्था को रखो, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे मेरे मालिक ने बनाया, और क्यों बनाया ये भी सुन लो। माटी एक, अनेक भांति से साजी सजन हारे, हमारे शरीर को तुम्हारा हाथ है उसमें, कोई बताओ तो मैं इतना ना बन के आया, तुम्हारा हाथ नहीं है। हमें जिन भी बनाया, एक ही माँ के चार बच्चे हैं तो चारों अलग अलग तरह के होंगे, एक भी किसी का शरीर ठीक नहीं होगा। ठीक है, हमें खास पर्पज के लिए बनाया हमारा शरीर, जैसे कुम्हार भांडे बनाता है वो भी तो किसी खास काम के लिए बनाता है, स्टील वाले बर्तन भी तो किसी काम के लिए बनाते हैं, शीशे वाली चीजें बनती वो भी किसी काम के लिए बनती है, गैर काम की कोई चीज बनती है दुनिया में? बताओ,
बगैर काम के कोई चीज़ नहीं बनती। तो उस मालिक ने हमें भी किसी खास काम के लिए बनाया है। जो काम तुम्हें मिला उसको फिर उसका समझ के करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं बहुत ऊंची बात कह दी, क्या कहा मैंने? पकड़ो पकड़ो इस बात, ये है हकीकत जो मेरे मालिक ने मुझे बताई, ये हकीकत है। और तीसरी हकीकत ये है, चौथी सच्चाई या असलियत क्या है? ओ मेरे प्यारे सज्जनों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हर आदमी सुन। मैं एक बार सत्संग हो रहा था महाराज जी का, शर्मा जी देखी बात करता हूँ, मामचंद जी महाराज जहाँ होते थे, बहुत प्यारे सज्जन महाराज जी के लगोटिया, वो भी स्टेशन मास्टर रहते थे, तो महाराज जी भी स्टेशन मास्टर थे, उनका उस समय बड़ा प्यार था। वो बीमार हो गए, तो मैं आगे बैठता था महाराज जी की स्टेज, जैसे ये लकी बैठा है, प्रेम बैठा है, अशोक जी बैठे हैं नज़दीक सबसे, मैं रिकॉर्ड भी करता था, मेरे पास अभी भी है उनके रिकॉर्ड। तो रामचंद जी मेरे को बैठे, मैंने कहते कमल जी बच्चा इदा का विश्वास नहीं आता कि मैं मर जाना, विश्वास नहीं आता कि मैं मर जाना। मैं क्या मामा जी तुम तो मरना ही नहीं है, तुम नहीं मरना, शरीर ने मरना, ये शरीर नहीं रहना, ये तो सदा है ही नहीं, क्योंकि सदा आया ही नहीं मरने के लिए। दूजा एक मन है साडा, मन नहीं मरना, जे मन मर गया तो सारा रास्ता साफ, जे मन भी नहीं मरिया तो जिथे लगा आ उथे सू जन्म लेना पैना। जैसी आशा तैसी बस, अंत बता सो कथा, जहाँ शुरू हम छोड़ेंगे मैं भी आप भी, तो जहाँ मेरी अटैचमेंट है, अगर मंदिर से अटैचमेंट है तो मैं इतने तक कबूतर जरूर बन जाना। क्या कह रहा हूँ मैं बस नहीं सकता, मैं बाबा फकीर के शरीर के साथ अगर प्रेम करूँगा, उनका ध्यान करते मरूंगा, मेरा जन्म जरूर होगा। लेकिन उन्होंने मुझे बताया तो मेरे शरीर ने प्यार नहीं करना, मैं छोड़ देता हूँ, किसका इस्तेमाल करूँ? परम तत्व के साथ। परम तत्व क्या है? गुरु बाहर है बैठा, तुम्हें हदायत कर रहा है, वो सदगुरु बताता बच्चा, सदगुरु तेरे अंदर है। सदगुरु कहाँ है? तेरे गठ में है। इसलिए तुलसी साहब जी ने लिख दिया, गठ में है सूजित नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिंद। क्या कहा गुरु नानक साहब ने? कहा जन नानक बिन आपा जीने, मिटे ना भ्रम की काहे। जब तक हम अपने आप को ना देख लेंगे हमारा भ्रम नहीं जाएगा, हम भटकते रहेंगे। तो क्या कहा मैंने? तो आखिरी बात जो असलियत बताई वो ये बताई कि शरीर को पहले ही त्याग दो मन को। क्या कहा? मुझे कह दिया बाबा फकीर ने, बच्चा 1975 की बात है, मैं कई दफा ये बात बताई है ताकि तुम समझ जाओ। दो बातें बता देता हूं आपको अपने अपने 69 में परम दयाल जी महाराज प्रागपुर जाते थे, बड़ी अच्छी फैमिली, सरसूद फैमिली, बड़ा प्यार करते थे। उनका कपूर चंद जी सूद यहाँ होम्योपैथी की दवाई देते थे, वो अष्टवक्र थे, समझ गए? वो भी मेरे से, मुझे कभी कभी उन्होंने अपने कमरे में ले जाना, कपूर साहब ने अपने हाथों से चाय बनानी, कमल जी मैंने चाय बनानी है मेरे पी आपने पीनी, तो मैं क्या बढ़िया चाय बनाते थे वो कपूर साहब, प्यार था, आप समझ गए? तो क्या कह रहा था, हाँ तो मैं बिलासपुर से आया, मैं धर्मशाला से आया महाराज जी के पास, महाराज 4 दिन के लिए वहाँ गए थे। मेरे मन में उचाट आई, हालांकि वो मेरे पास से आए थे 69 में, महाराज जी मेरे पास से आए थे, लेकिन मैं कभी सवाल नहीं करता था, सुनता था, बैठ गया, बैठ गया,
बस उनके चेहरे पर देखते रहना और उनकी बात को पकड़ते रहना, उनकी धार मिलती थी। आप समझ गए, धार मिलती थी। तो मैं आ गया। महाराज जी कहते, बेटा क्या बात हुई? मैं कहा, पिताजी कभी कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे मैं तंग हो जाता हूँ, मैं तंग हो जाता हूँ। मुझे कहते, बेटा तू तो जवान है, तेरे को तो ख्याल ऐसे आएंगे, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं। तो मैं थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, हौसला टूट जाना, हौसला टूट जाना। ये दादा हल हुई अंदर मारिए थोड़ी, हजूर ने मैंने देख लिया, बच्चे छोटा एकदम पिता जानते मेरे अंदर की है। कहते, देख बच्चा तू बहुत भाग्यशाली है, तेरे ऊपर उस मालिक की अपार कृपा है कि तुम्हें पता तो लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है, तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। आदमी तो कभी सोचता ही नहीं कि ख्याल अच्छा है कि बुरा, उधर फंस जाता। बुरा ख्याल का चिंतन करोगे 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 कि तुम कर्म बुरा कर दोगे। तू भाग्यशाली है कि तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है, तुम जाग जाते हो। ठीक नंबर। फिर एक सवाल जवाब मेरे साथ हुआ, दो बातें बताऊंगा फिर सत्संग खत्म करूंगा ताकि तुम्हारा काम आ जाए। काम कहते, बेटा तुमने कोई पौधा लगाना है, फल वाला या फूल वाला, क्या करोगे? मैं कह, पिताजी मैं खड्डा खोदूंगा, बड़ा लगाना तो बड़ा खड्डा होगा, अगर फूल वाला लगाना तो छोटा खड्डा होगा। अच्छा क्या करेगा? मैं कह, खड्डा खोदूंगा। फिर क्या करेगा? मैं कह, पिताजी मैं उसमें खाद डालूंगा। फिर क्या करेगा? मैं अपने मनपसंद पौधा ले आके लाऊंगा। फिर क्या करेगा? मैं कह, पिताजी फिर मैं उसकी बाड़ भी करूंगा कि कोई जानवर ना खराब करे। फिर क्या करेगा? मैं कह, पिताजी मैं सुबह शाम उसको पानी भी दूंगा, देखूंगा। अच्छा पौधा लग गया। अगर तू उस पौधे को लगाने के बाद पानी ना दे, ख्याल ना करे, फिर क्या होगा? मैं कह, पिताजी को तो सूख जाएगा। बस फिर ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। ऐसे ख्याल को पानी, सुन रहे हो, सत्संग में आए हो, ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। बात को याद कर लेना कि मालूता मंदिर में हमें ये बात कही गई थी, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। क्या कहा मैंने? तीसरी बात, 1975 में मैं अगस्त का महीना था, मैं महीना नहीं छोड़ता था, जुलाई, क्योंकि छुट्टियां होती थी कॉलेज, जुलाई अगस्त तो जरूर आ जाना महीने दो महीने। तो सत्संग हुआ छोटे हाल में, बढ़ जाता था हाल, तो सारी संगत प्रसाद लिया चली गई। दो प्रोफेसर आए हुए थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के, तो वो महाराज जी के पास बैठकर अपनी बात नहीं करे, फिर मैंने सानू कुछ दसो, रमन ऋषि की बात शुरू कर दी। तो मैं तो तब तक जाता नहीं था जब तक महाराज जी कमरे में चले न जाए, आगे लेके जाना। तो मैं भी पास बैठ गया। तो मैंने शर्मा जी बीच में दखल दे दिया। मैं कह, नहीं सर मैंने भी पढ़ा है रमन ऋषि की, ऐसे नहीं ऐ गल है, इंटरफेयर किया उन्होंने गल में कटिया, क्योंकि मैं भी तो पढ़ाता था ताजा ताजा। तो महाराज जी ने उनको कुछ नहीं किया, मेरी तरफ देखा, कहते बच्चा तू भी किताबें पढ़ता है? मैं कह, पिताजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कुछ पढ़ना पड़ता है। आपने कोई किताब नहीं पढ़ना, क्या करना, अपने मन की किताब पढ़ना। दूसरी बड़ी किताब दे दी मन की किताब, और बल्ले बल्ले मेरे बाबा फकीर मन की किताब दे दी। वो जब मैं पढ़ने लगा वो तो मन ही नहीं रहा। क्या कहूं मैं आपको, जब मैं मन की किताब पढ़ने लगा मन ही नहीं रहा, फिर क्या रहा, क्या रहा? जो मैं हूं, मन ने मुझे बुलाया हुआ है। कोई चारिया बन गया, कोई संत बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई बाप बन गया, कोई ताया बन गया, चाचा बन गया, मंत्री पुराना माना, क्या नाम है मेरे जो पसा, कुछ ना कुछ हमें मन से बनते हैं, हालात बनाते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं,
क्या हूं, शरीर के रूप में आपका सेवक हूं। बाबा फकीर की संगत का निर्लेप होकर सेवक हूं, हर वक्त खाना खाता हूं, टेलीफोन आएगा मैं खाना नहीं खाता, पहले बात करता हूं। बात समझ गए, मैं अमेरिका में था, यहां दिन बहा रात, रात को 12 बजे घंटी, 1 बजे घंटी, 2:30 बजे घंटी, और मैं कहा भाई मैं इधर आया, मैं सवेर तो गल कर रहा, मैं सवेर फिर उन्होंने वाईफाई लेना, मालिक जाना ही ले जाता, फिर सवेर उन्होंने वाईफाई से गल सारी करनी चाहिए। बात समझ गए, मन वास्तव में नहीं है। आखिरी बात, मन बनता है जो हम देखते हैं। जिस चीज को तुमने देखा नहीं है वो तुम्हारे मन में कभी नहीं आएगी। शर्मा जी सुनो, जो तुमने देखा वो तुम्हारे मन में फिल्म बन जाएगी, तुम्हारा मन उसको पकड़ लेगा। जो तुम सुनोगे सुनोगे वो भी तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी, तुम्हारा मन बन जाएगा। जो तुम खाओगे स्वाद टेस्ट जुबान का, किसी भी दुकान का आया है वहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है, वो खाना बहुत अच्छा है, तुम वहाँ भी खाने में फंस गए। और मेरे सतगुरु ने फरमाया, जब 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 खाना बहुत स्वाद लगे तो खाना छोड़ दो। असी तो अजकल बन लिया फुलका चक्की का खा ली, तो राम राम चल छुट्टी पे। अज मैं बोलना सी 2 घंटे, इसलिए मैंने 2 फुलके खा लिए। ठीक है, क्या कहा मैंने, आप एक शब्द सुनाओ कबीर साहब का, बात सुनना ध्यान से, क्या कहने लगा। जिंदगी को जीना है तो अपनी बात सतगुरु को पकड़ा। कैसे कैसे दरिया गुरु और चेला दोनों उच्च कोटि के संत जा रहे हैं, बारिश शुरू हो गई, गुरु जी आगे आगे चेला पीछे पीछे, है ना, तो आगे आगे नदी, पानी बहुत आ गया, जाना दूर है, गुरु जी को पता है कि यहाँ कैसे जाना पार। तो उन्होंने कहा बच्चा हमने नदी तो पार कर लेनी है, चिंता नहीं करनी, मेरी बाँह फाड़ना, मेरी बाँह फाड़ना। कहता अच्छा महाराज जी, गुरु जी जा रहे हैं, वो बाँह ना फड़े, बाँह नहीं फड़ी, नहीं फड़ी। फिर हल्ला बहुत ज़्यादा आ गया, बारिश तूफान तो क्या पानी ज़्यादा आ गया, तो गुरु जी ने एकदम उन्हें बाँह फड़ ली, एकदम फड़ ली, पार निकल गए। गुरु जी कहते बच्चा तेनों मैं किन्नी बारी क्या पे मेरी बाँह फड़, मेरी बाँह फड़, मैं ना फड़ता तो तू टूट जाना सी। कहते महाराज मैं क्या करा, मैनू एक डर सगा जे जे मैं बाँह गुरु जी की फड़ ली मैं तो छुट जानी है, मैं तो बिठाना मैं ले जाना, तो मैंने जब तुम फड़ लिया तो मैं कितने जाना नहीं। क्या कहा मैंने, ओ गुरु बाँह फड़दा पर तुसी नहीं फड़ोगे। ये मैं कह रहा हूं कैसे फड़ोगे, जब आप उनकी बाणी पर चढ़ोगे वो तुम्हें पकड़ लेंगे, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। बाणी नहीं छोड़ती, शब्द नहीं छोड़ेगा आपको, जो गुरु ने आपके सिर पर हाथ रख के कह दिया वो नहीं आपको छोड़ेगा। सुनाओ ये शब्द कबीर का सुनाता हूं मैं आपको, राधा ये मेरे अपनी बीती है, एक मिनट आप जाना तो नहीं जानती, अच्छा ये सुनो, सुनो ये कबीर साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है, ज्यादा थक गए मुझे पता है, मेरा भी टाइम हो रहा है, मैं घड़ी सामने रखी हुई है आज। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। परम पुरुष पूरन धनी हुजूर कबीर साहब की शब्दावली सवाल ना सुना दे। मेरे सतगुरु पकड़ी का
बच्चा है, ये मेरी गोद में बैठा है, इसलिए इसकी हर कमी पूरी की जाए। वो सब कुछ पूरा करता रहता है, करता रहता है और करता है। जब गुरु तैयार हो गया तो तुम्हें जिंदगी में कुछ कमी बच्चों नहीं रह सकती। मैं आपको बता देता हूं, मैं यहां आपकी सेवा में बैठा हूं, जिनकी कृपा है उनकी कृपा है, मेरे में कुछ नहीं है। मैं हो सकता आपसे भी बहुत घटिया इंसान होगा, आपको मैं अपने मन की बता रहा हूं, मैं जानता हूं अपने मन को, लेकिन मेरे प्रति दया है कि मैं उसको समझ लेता हूं। इसलिए उन्होंने आगे लिखा, कागा से हंसा किया, काग बुरे ख्याल रखता है, वो भी काला, वो भी कोई हंस होता है, वो सिर्फ दूध पीता है, बाकी छोड़ देता है। आगे कागा से हंसा प्रकाश में रहता है, उसकी कोई याद जाते है। प्रकाश की क्या जात है बताइए? प्रकाश की कोई जात है? तो हमारे सब में प्रकाश ही तो है, हमें बनाया, बनाए गए, बांट दिया, हमें बटना नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं होना। इंसान बनकर जियो, वो लगा है, इंसान वो है जो हर काम को ऐसे करता है कि जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। जब किसी दूसरे का नुकसान होगा आप इंसानियत से गिर जाओगे। जहां स्वार्थ है वहां इंसानियत नहीं है, जहां स्वार्थ नहीं है वहां इंसानियत है। बात का पकड़ा? आगे चलो। कागा से हंसा किया, जाति वर्ण कुल खोए, दया दृष्टि से बंधन में फंसाया है छुड़ा
लिखो जाल माया मोह के आकर कटाया काए का बही गर्व वे माता के जो रक्षक बना था हर घड़ी जागता जीता पुरुष अब भी ध्यान कर सुमरण भजन कर मन में उसकी आस कर ध्यान कर सुमरण भजन कर मन में उसकी आस कर होके प्रकट भीतर और बाहर घट में है वह घट में है संसार के खटपट में है घट में है वह पट में है संसार के खटपट में है तुझको क्यों चिंता है खटपट को मिटाएगा कहीं तुझको खटपट को मिटाएगा नहीं राधा स्वामी नाम ले और नाम में विश्राम ले राधा स्वामी नाम ले और नाम में विश्राम ले नाम की धुन राग अनहद में नाम की धुन राग अनहद में सुनाए गा अब आखिरी एक वाणी एक लाइन बोलूंगा सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने 1981 सितंबर में वो अमेरिका गए थे और यहाँ बोल कर गए थे मैं हाजिर था यहाँ भगत मुंशी राम जी उस वक्त सेक्रेटरी थे उनको साथ लिया मैं तो जब यहाँ आ जाता था तो मैं साय की तरह उनके साथ सच्ची बात को करता तो मैं भी साथ साथ चल पड़ा तो यहाँ ये परम शांति स्थल बना है ये खाली था थोड़े थोड़े यहाँ बूटे से लगे हुए थे तो महाराज जी वहाँ गए और वहाँ जाकर के भगत जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ मेरा शरीर वहाँ से डब्बे में बंद होकर आएगा डब्बे मेरे शरीर का यहाँ दाह संस्कार करना और मेरी हड्डियों के ऊपर मानवता का झंडा लगा देना ये उनका हुक्म मेरे सामने जब आ गया शरीर तो मैं उस वक्त यहाँ नहीं था मैं शिमला में मेरा पीएचडी का पेपर था तो वहाँ जब मुझे तार यहाँ से गई ऑफिस से महाराज जी के बारे में वो हमीरपुर पहुंची कॉलेज में कॉलेज वालों ने उसको यूनिवर्सिटी भेजा यूनिवर्सिटी से मेरे कमरे में आया मैं रेस्ट हाउस में था तो सुबह ही वो आया उसमें मुझे दी मैंने पढ़ा मैं मुझे पता तो लग गया था उसी वक्त
जब श्री गुरु ने शरीर छोड़ा, मुझे उसी वक्त एकदम एहसास हो गया कि श्री महाराज ने छोड़ दिया, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तो मैंने किताबें रखी, मैं उस दिन फ्री था, मैं पोस्ट ऑफिस आया, वहाँ से महाराज जी के नाम पर एक लेटर टेलीग्राम लिखी अंग्रेजी में कि आज मेरे सतगुरु, मैं शब्द पूर्वक आपसे वचन, आपको वचन देता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं ता जिंदगी निस्वार्थ होकर, निर्लेप होकर आपकी शिक्षा को दुनिया में फैलाऊंगा। ये लिख दिया दुनिया मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरा लेटर, मेरी वो टेलीग्राम स्वीकार हो गई। मुझे कभी 2006 में डॉक्टर रामदेव राव ने स्पॉन्सरशिप किया, मुझे सुखदेव सिंह ने कनेडा से ऑफर किया, इंग्लैंड से डॉक्टर रावत ने मुझे स्पॉन्सरशिप, मुझे कभी वीजा नहीं मिला, नहीं। 2018 आया एकदम मोर 10 साल, फिनलैंड की मोर 10 साल और इंग्लैंड की मोर 6 महीने, मैं बाहर घूम के आ गया कि मेरे में क्या हस्ती है, क्या हस्ती है, ये उसकी दया है। तो वहाँ से लेटर आया है एक, वो शब्द भी है, वो एक लाइन बताता हूँ, ए इंसान, महाराज जी के शब्द, तू राम नाम जप चाहे ना जप, तू राम नाम जप चाहे ना जप, अपनी नीयत को साफ रख के जिंदगी में कर्म कर, बस ये हदायत है। कर्म निर्लेप होकर, स्वार्थ नहीं कि मेरा बन जाए उसका बिगड़ जाए, ये है शब्द। अब आपने क्या करना है, या तो डोरी अपने हम उसके हाथ बिठा लो और या विश्वास कर लो कि मेरा वो है। विश्वासम फल दायकम, विश्वास ने फल देना। बच्चों मेरे प्यारे, मैं बच्चों कहा है, पता नहीं क्यों निकला बच्चों मेरे मुंह से, मेरे भाई हुआ, मेरे बुजुर्ग हो, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं। अपने मन को साफ रखो, बस मन में है वो, मन में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सांस में है, सांस तुम नहीं ले रहे हो, तुम्हारे में सांस लेने की ताकत ही नहीं है, सांस वो ले रहा है। एक सेकंड और ले लू, एक सेकंड सुन लो, तैयार जरा बच्चे के सिर पर ध्यान से सुनना, बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखना, 6 महीने का साल, वहां टक 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 हो रही है, हो रही है, देखा तुमने, होती है ना, यहां टक टक होती है, वहां शब्द है। और जिस दिन टक टक बंद हो गई, सांस बंद हो जाएंगे। उस टक टक को ध्यान रखो, उस टक टक को लगातार रखो, तो किससे चलेगी, राधा स्वामी, तुम्हारी राधा उस स्वामी को जब याद करेगी तो जनरेटर चलता रहेगा। सुन रहे हो, शब्द दादा जाने कहते हैं राधा स्वामी, पंजाब जी महाराज कहते हैं राधा स्वामी, मैं भी कहता हूँ राधा स्वामी, यही नाम निज नाम है, मन अपने धरते राधा स्वामी, नाम जो गए सदा सुखी रहे। मेरी बात समझिए, आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक प्यार, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, मेरा सतगुरु आपको शरीर की तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे, खाने की जितनी रोटी दे, रहने को सुंदर मकान दे, और अगर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल जाए तो वो भी मुझे बड़ी खुशी होगी। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी।